नमस्कार दोस्तों, आज है 1 मई। और 1 मई क्यों मनाया जाता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है अमेरिका में, 1884 में यूएस में इसकी शुरुआत होती है। अमेरिकन फेडरेशन, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियंस, वहाँ पे एक स्ट्राइक करती है, एक हड़ताल करती है कि हम लोग 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। ये राइट होता है शिकागो में, और ये उसी समय से मई दिवस की शुरुआत होती है। तो ये याद रखना है, 1884 में से यूएस में इसका स्टार्ट हुआ था, अमेरिकन फेडरेशन ऑर्गेनाइज ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन के द्वारा। तो वहाँ पे राइट हुआ, उसके बाद वहाँ पे ये चालू किया गया कि ठीक है, लेबर जितने भी हैं वो 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो ये 8 घंटा जो काम हम लोग आज करते हैं वो उसी का देन है, 1884 अमेरिकन फेडरेशन ऑर्गेनाइज ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन के द्वारा। फिर ये जब वहाँ से इसकी शुरुआत हुई इस मई का, उसके बाद उसी समय मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस 1889 में ये एक कानून लाया कि जो हमारे एम्प्लॉई हैं, जो भी हैं, वो 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो प्रचलन है ये चालू हुआ, ये सिस्टम वहीं से चालू हुआ। अमेरिका का देन है ये मई दिवस। उसके बाद 80 कंट्रीज़ में ये मनाया जाता है। अब आते हैं कि इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई थी। इंडिया में इसकी शुरुआत हुई 1 मई 1923 को। 1 मई 1923 को किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, जो मद्रास यानी अभी जो चेन्नई है, इस चेन्नई में इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2023 को, कि हम लोग भी 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे और 1 मई को छुट्टी करेंगे। तो इसकी शुरुआत इंडिया में 1923 में हुई। मान के चलिए मोटा मोटी 50 साल के बाद इंडिया में इसका चालू हुआ। अब इंडिया में 1 मई को तो सरकारी छुट्टी रहती है। अमेरिका मुंबई में इसे मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस के नाम पे, और गुजरात में गुजरात दिवस के रूप में। तो मई दिवस 1 मई की सबसे पहली शुरुआत अमेरिका ने की। अमेरिका ने लोगों को, लेबर को, एम्प्लॉई को ये सिखाया कि आपको 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करना है। फिर भी लोग 8 घंटा से ज़्यादा काम करते हैं, और सबका अपना अपना रुचि है, कोई अपना प्रमोशन के लिए, कोई और किसी के लिए, कोई और किसी के लिए। तो ये हमें जानना चाहिए कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1884 में अमेरिकन फेडरेशन ऑर्गेनाइज ट्रेड्स एंड लेबर के द्वारा हुई थी। शिकागो में राइट हो गया था, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है शिकागो, वहाँ पे राइट हो गया, दंगा हो गया कि 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। उसके बाद 1884 में ये दंगा हुआ, फिर ये धीरे धीरे चलता रहा, डिमांड होता रहा। 1889 में मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, 1889 में ठीक 5 साल बाद मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इसका नाम है, ये 1889 में ये बताया, एक कानून लाया कि एम्प्लॉई जो है वो 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो ये जो प्रचलन है वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद 80 देशों में मई दिवस अभी मनाया जाने लगा, और हमारे देश में 1923 में ये चालू हुआ। मद्रास अभी चेन्नई के रूप में है, तो 1923 मान के चलिए कि लगभग
89 24-25 साल बाद, 25 साल बाद आपका ये एक मई इंडिया में मनाया जाने लगा। मद्रास में, अभी चेन्नई के रूप में, किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने इसकी शुरुआत की थी। और महाराष्ट्र में से महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुजरात में से गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है मई दिवस के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी। लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।